पूजा पाठ ही दिन भर मत करो, मेरा भी ख्याल रखो। तो माता देवहूति से यह प्रश्न पूछा गया तो बोली ठीक है, मुझे मंजूर है ऐसा पति जो भगवान के काम में और भगवान के ध्यान में रहे। मुझे भी धर्म पति चाहिए, काम पति नहीं चाहिए। देवहूति मंजूर कर लेती है और फिर इसके बाद दोनों की शादी होती। एक शर्त भगवान से रखते है, भगवान मैं साधु उसी शर्त पे करूँगा कि जब आप मेरे घर पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तपस्वी थे उनकी बात को मान लिया। इसके बाद क्या हुआ, दोनों की शादी होती है। स्वयंभू मनु की पुत्री, स्वयंभू मनु कौन है, जिनसे सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि के जिन्हें पहले थे नारायण, ये स्वयंभू, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। फिर इसके बाद दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों का जो बीच में शर्त रखते हैं कर्दम ऋषि, उसको पूरा करते हैं। और शादी होने के बाद जैसे ही कुटिया में गए तो कुटिया का दर्शन थोड़ा सा कर्दम ऋषि के कर लीजिए। कर्दम ऋषि की कुटिया पड़कुटी कैसी है, गंगा के तट पर पड़कुटी बनाए हैं और उसी में रहते हैं। जब माता देवहूति के साथ प्रवेश करते हैं, अपने दुल्हन के साथ, नववधू के साथ जब अपने कुटिया में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले फूलों में पली हुई राजकुमारी का जीवन जी हुई स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति बना हुआ है। तो किसी में मेढक है, किसी में चूहा है, किसी में सांप है। तो फिर उन्होंने देखा तो बोले महाराज जी ये क्या है, तो बोले ये सब अपने मेरी झोपड़ी को अपना ही समझते हैं इसलिए इसी में रह लेते हैं। किसी में सांप, किसी में चूहा, किसी में मेढक है, तो अपने मेरे झोपड़ी में ही रह लेते अपना समझते। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद ऊपर देखा तो फिर इतने खतौने बने हुए थे, इतने खोतड़े बने हुए थे पक्षी के, तो उसमें से कहीं कबूतर फड़फड़ा के निकल रही है तो कभी गौरैया निकल रही है। बोले प्रभु ये क्या है, बोले ऐसे अपने छप्पड़ अपने ही समझते हैं मेरे छप्पड़ को, इसलिए इसी में आसन लगा लिया है। देवहूति ने कहा अजीब संत है। इसके बाद फिर देखा एक झरोखे से झोपड़ी से टूटा हुआ था और टूटने के बाद पी रहे इनका बहुत बड़ा प्रभाव। इसके बाद जब देखा तो कुटिया में जब प्रवेश करके चारों तरफ देख ली तो फिर देखा तो पूछे भगवान आपका आसन कहाँ है। तो कर्दम ऋषि एक कोने में छोटा सा आसन था और उसी पर बताए कि यही 1.5 फुट का आसन है, यही मेरा है। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, बोले इतना ही जगह और छुट्टी है, ये कुटिया भी तो सब तुम्हारी है, सब आपकी है देवी, आप इस कुटिया में जहाँ चाहिए रह लीजिए। एक तरफ चूहा, एक तरफ मेढक, एक तरफ सांप, ऊपर से कबूतर, ऊपर से गोरैया, कोने में कर्दम ऋषि की आसन 1.5 फुट की। अब माता देवहूति कहाँ रह ले। माता देवहूति अभी सोच ही रही कि कह रहे हैं कर्दम ऋषि देवी मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर लूं, आप थोड़ा कुटिया में रहो, देखो मैं थोड़ा ध्यान कर लूं। बोली ठीक है शर्त तो हमारे आपने लगी है और ध्यान कर लीजिए भगवान की, कोई बात नहीं है, मैं भगवान के आपके बीच में व्यवधान नहीं बनूंगी। माताओं बहनों यहाँ बैठी है जरा सोचना, अगर आपको ऐसा पति मिल जाए तो क्या होगा। जैसे ही देखेंगी वैसे ही क्या करेंगी, नंबर डायल मायके का। हेलो मम्मी, बबलू को लेके गाड़ी भेज देना, क्यों यहाँ रहने लायक नहीं है, मैं मायके में आऊंगी रहूंगी, इससे अच्छा है कि तुम्हारी रह लूं, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। लेकिन माता देवहूति गृहिणी गृहिणी गृह मुचिते, मेरे भाइयों बहनों अगर गृहिणी है, नारी है, सुलक्षणी है, लक्ष्मी है, तो झोपड़ी को महल में बदलने में जब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कुलक्षणी है, कुलता है, अनाड़ी है, सबला है, अबला है, तब जान लीजिए कि महल को भी झोपड़ पट्टी में बदलने में समय। स्त्री के लक्षण है कि सुख में दुख में जब फेरे लेती है अग्नि देव के साक्षी में तो कहती है कि सात जन्म, सात फेरे क्यों लेती हो माताओं बहनों, होता है कि नहीं, सात पावर होती है ना, क्यों होती है जानते हैं, सात जन्म तक मेरे पति पत्नी हम दोनों बन के बधे रहे, सात जन्म को
कोर तक पहुंच जाता है। हाँ हाँ, एक साल तक तो सुनती है पत्नी, बिना तरफ का वकील बोलता इधर से भी इधर से भी, और फिर पांचवा साल जाते जाते दोनों तरफ का वकील बोलता है, और छठवां और सातवां फेरा अभी पूरा भी नहीं हुआ कि सातवें फेरे में दोनों को इतना बड़ा बड़ा पेपर मिल जाता है, सिग्नेचर हो जाता है। तीन तलाक, कौन सा तलाक? तलाक हो जाता है सातवें साल में, सात जन्म के फेरे लिए थे बंधने के, वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर सहनशीलता कहाँ है, धैर्य कहाँ है, पति के साथ मर मिटने, पति के दुख में दुखी, पति के सुख में सुखी रहने का भाव तो माता सीता से, जानकी से लेना चाहिए हमें। पति को मिला था वनवास, पत्नी को नहीं मिला था, लेकिन माता जानकी ने नहीं कहा कि मैं तो राजा की बेटी हूँ, फोन कर देती राजा जनक आ जाते और उनको लिवा करके जाते हैं और राज महलों में राज करती सीता, लेकिन नहीं, बर्तन तो बड़े खाई है अपने पति के साथ। क्यों? क्योंकि वो भी सात फेरे लेकर के कसमें खाई। तो देवती माता नारी है, स्त्री है, लक्ष्मी है, वो झोपड़ पट्टी को देख करके आप लोगों की तरफ फोन नंबर डायल नहीं किया है मायके का, कहती है मेरा पति कितना त्यागी है, मैं कितना, मेरा सौभाग्य है जो इतना बड़ा संत मुझे मिला। आज की बेटियों को गौरव भी पूजने नहीं आता, माता जी के आप पूजने भी जाती हैं तो उनसे भी पूजा नहीं करती, माता जी से प्रार्थना नहीं करती, कहते हैं माता का पूजा करो, गौरी माता का पूजा करो, कुंवारी कन्या तो क्या कहती है, माँ पूरी कर दे मुरादे पूरी, तो हलवा पूरी चढ़ाओ, मुरादे पूरी करवाती, और ये नहीं कहती कि मुझे अपने हिसाब से कर देना, ना मेरा हस्बैंड कैसा हो, पॉकेट में जिसके पैसा हो। और सास ननद से जब मेरी फाइट हो तो मेरा हस्बैंड बोले जानम तू ही राइट हो, मतलब सही तू ही हो, मेरी माँ गलत है, मेरी बहन गलत है, तू सही हो, झगड़ा कर रही हो, ऐसा हस्बैंड मुझे दे दे, जींस वाला, सीटी बजाने वाला, मोबाइल 4 जीबी की रखने वाला, ये डिमांड करती है माँ, ऐसा हस्बैंड।